साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको एक बहुत ही खास रेमेडी दे रहा हूं। आज जो जानकारी मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं, अगर ये आप करना शुरू कर देते हैं सोमवार के सोमवार इस प्रयोग को करिए, आप देखेंगे कि गरीबी कभी आपकी तरफ मुड़कर नहीं देखेगी। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जो सपने हैं, उसकी जो जरूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, उसकी पूर्ति हो, लेकिन उसकी पूर्ति के लिए कहीं ना कहीं से पैसों की जरूरत पड़ती है। और पैसों की यदि दोस्तों आप कोई भी ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा आर्थिक संकट चल रहा है, पैसों की समस्या से आप जूझ रहे हैं, तो सोमवार के सोमवार इस प्रयोग को आप करना शुरू करिए। देखिए महादेव की यदि पूजा सोमवार के दिन में की जाए और कुछ विशेष रूप से की जाए, इसमें कोई आपका खर्चा नहीं है, लेकिन अगर आप कंटिन्यू इस प्रयोग को करते रहते हैं तो महादेव तो वही है जिन्होंने औघड़ दानी है, जिन्होंने कुबेर को कभी खत्म ना होने वाला धन का खजाना दे दिया। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप पूजा करेंगे तो आपको कुबेर का खजाना मिल जाएगा, लेकिन हाँ ये है कि पैसों से संबंधित कभी भी कोई काम आपका रुकेगा नहीं अगर ये प्रयोग आप सोमवार सोमवार करते हैं। मैं आपको दो रेमेडी दे रहा हूं, सिर्फ सोमवार को आपको करना है। सोमवार के अलावा आप इसको यदि शुक्रवार को करते हैं तो आपके वीनस यानी कि आपके शुक्र ये मजबूत होंगे। तो सोमवार और शुक्रवार इस प्रयोग को आप करके देखिए, रिजल्ट बहुत ही अमेजिंग आता है इसका। काफी लोग मेरे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनको मैंने प्रयोग दिया है और काफी अच्छा उनका फीडबैक आ रहा है, रिजल्ट अच्छा आ रहा है, इसलिए ये जानकारी मैं आप लोगों को भी दे रहा हूं। पूरे विश्वास के साथ में करिएगा, क्योंकि कहीं भी कोई भी प्रयोग करते हैं तो उसमें सबसे बड़ी चीज होती है विश्वास। अगर विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आप मंदिर जाते हैं, भगवान पर विश्वास है इसलिए तो आप मंदिर जाते हैं, तो बस भगवान का दूसरा रूप उपाय है। तो करना क्या है दोस्तों, किसी भी सोमवार के दिन में सूर्योदय से सूर्य अस्त के बीच में आपको कच्चा दूध लेना है। अगर गाय का कच्चा दूध मिलता है तो बहुत ही बेस्ट है। उसमें आपको कम से कम सोमवार को यदि कर रहे हैं तो दो पीस छोटे छोटे उसके मिश्री के डाल दें, और शुक्रवार के दिन में कर रहे हैं तो छह पीस मिश्री के डालें। सोमवार को जब करेंगे प्रयोग तो आपकी लास्ट वाली उंगली है ये आपको क्या करना है, उसमें घुमाते रहना है, ठीक है, कंटिन्यू घुमाते रहे, लास्ट वाली आपकी तर्जनी उंगली, सॉरी कनिष्का उंगली। और मनी मन कम से कम 108 बार जाप करें, ओम शोम शोमेश्वराय नमः, ओम शोम शोमेश्वराय नमः, उंगली घुमाते जाएं, मंत्र का जाप करते जाएं। 108 जब कंप्लीट हो जाता है तो यदि आपके घर में ही शिवलिंग है तो घर में इस दूध से आपको अभिषेक करना है, और यदि घर में शिवलिंग नहीं है तो किसी भी शिवालय चले जाएं। और चांदनी का जो पुष्प होता है, चांदनी का पुष्प यदि मिल जाए तो दो चांदनी के पुष्प ले लें और इसको लेकर के शिव मंदिर जाएं। अगर शिव मंदिर जा रहे हैं तो सबसे पहले नंदी महाराज को प्रणाम करें, उनसे आज्ञा लें कि आप महादेव की पूजा करना चाहते हैं। जब तक नंदी की आज्ञा नहीं लेंगे तब तक कोई पूजा सफल नहीं होती है। तो नंदी को प्रणाम करके फिर शिवलिंग के पास में जाएं, शिवलिंग को प्रणाम करें। अब जो जल दूध आपने लिया हुआ था ये दूध आपको शिवलिंग में चढ़ाना है, कम से कम 11 बार 21 बार मंत्र का जाप हो सके ऐसे आपको धार न टूटे दूध की, दूध की आपको अभिषेक करते रहना है और ओम शोम सोमेश्वराय नमः इस मंत्र का आपको जाप करते रहना है। सिर्फ सोमवार सोमवार इस प्रयोग को करना है, और उसके बाद में महादेव से प्रार्थना करें कि जिस भी दोष की वजह से, ग्रह दोष है, पितृ दोष है, या कोई भी नजर है, जिस भी कारण से आपकी जिंदगी में धन का आगमन रुका हुआ है, इन दोषों को खत्म करके आपकी जिंदगी में धन के प्रवाह को बढ़ा दें। सच्चे दिल से प्रार्थना करिए महादेव से। सिर्फ एक सोमवार दो सोमवार आप करिए, आपको फर्क अपने आप नजर आने लगेगा। सोमवार शुक्रवार दो दिन करिए इस प्रयोग को, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। अब दूसरा प्रयोग आपको चावल के दाने से करना है। और जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं, आप लोग यदि मेरे चैनल पर अभी पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं कुछ खास दिन के कुछ खास एंजल्स नंबर, स्विच वर्ड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स, मनोकामना पूर्ति के उपाय, कर्ज मुक्ति के उपाय, धन प्राप्ति के उपाय, वशीकरण के उपाय, शत्रु बाधा से मुक्ति के उपाय, ऐसे एपिसोड बनाता हूं। कोई खास जानकारी जो आपके काम की हो आपसे मिस ना हो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑल पे क्लिक कर लीजिए। कोई भी खास जानकारी प्रसारित करूंगा आपके काम की होगी तो आपसे मिस नहीं होगी, आपको आसानी से तेजी से प्राप्त हो जाएगी और आप उस जानकारी का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और आप लोग काफी उपाय कर रहे हैं लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो हर वीडियो में बताता हूं कि एक बार अपना बर्थ चार्ट जरूर चेक कराएं, क्योंकि बर्थ चार्ट में जो प्लैनेट अनबैलेंस होता है वो प्रॉब्लम करता है। जब तक उसको बैलेंस नहीं करेंगे कोई भी रेमेडीज वर्क नहीं करेगी।
और बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग कोई भी यदि रेमेडीज की जाती है तो 100% रिजल्ट देती है। और यदि आपका बर्थ चार्ट नहीं है तो आप फेस रीडिंग ले सकते हैं। फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग आपकी हर एक समस्या का आपको सटीक से सटीक समाधान दिया जाएगा और परिवर्तन आप 7 से 11-21 दिन में साफ साफ देख पाएंगे। और दोस्तों हमारे द्वारा राहु ग्रह को कलयुग में यदि अपने बर्थ चार्ट में बैलेंस कर लिया तो समझ लीजिए कि आपने जग जीत लिया, क्योंकि राहु को बैलेंस करना मतलब कि अनएक्सपेक्टेड धन रुपया पैसा सफलताएं सब कुछ मिलना। और हमारे द्वारा दोस्तों 18 दिन की शापर मंत्रों के द्वारा राहु की एक विशेष पूजा की जाती है जिसमें आपके बर्थ चार्ट में राहु को बैलेंस कर दिया जाता है। 18 दिन में इसका रिजल्ट आपको अमेजिंग मिलने लगता है। अगर ये विशेष पूजा इसकी बुकिंग आप कराना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा या उसके अलावा चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरे असिस्टेंट का नंबर है, छोटी सी माइनर फीस है, आप फीस पे करके अपने अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं और मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। राहु को बैलेंस करना दोस्तों मतलब कि सब कुछ हासिल कर लेना, और ये शापर मंत्रों के द्वारा पूजा की जाती है। अगर आपको बुकिंग करानी है तो बुकिंग करा सकते हैं, ठीक है। और दूसरा प्रयोग भी दोस्तों आप सोमवार के दिन करेंगे, लेकिन 108 चावल के दाने से करेंगे। आपको अखंडित 108 आपको चावल के दाने ले लेना है। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो शिवलिंग में करें घर में, और नहीं है तो किसी भी शिवालय चले जाएं। एक लोटा जल लें, जल आपको घर से लेकर ही जाना है। हमेशा याद रखें दोस्तों, मंदिर वगैरह कहीं भी जाते हैं तो मंदिर से ही जल ना लें, घर से जल लेकर के जाएं। क्योंकि आप जब घर से जल लेकर के जाते हैं तो जो भी परेशानियां जो होती हैं ये सब आपके साथ चली जाती हैं, और जब आप वहां पर शिवलिंग में अर्पित करते हैं तो वो सारी इसकी सारी परेशानियां महादेव अंत कर देते हैं। तो कभी भी मंदिर से जल ना लेके जाएं, किसी भी पूजा पाठ के लिए मंदिर जा रहे हैं तो पहले घर से ही जल लेकर के जाएं। और 108 चावल के दाने आपको लेने हैं, ठीक है। एक सफेद कपड़ा आपको लेना है, शिवालय आपको जाना है, आपकी अनामिका उंगली और अंगूठे से एक आप चावल का दाना उठाएंगे, ओम शोम सोमेश्वराय नमः शिवलिंग पर अर्पित करेंगे। 108 दाने इसी मंत्र के द्वारा आपको अभिमंत्रित करना है, ठीक है। ये आपने पूरे जब चढ़ा देंगे तो उसके बाद में से 11 दाने या 21 दाने उसमें से आपको निकाल लेने हैं। जितने भी शिवलिंग में आपने चावल के दाने चढ़ाए हैं तो उसमें से 108 दाने में से 11 या 21 दाने आपको एक एक दाना उठा करके सफेद कपड़े में रख लेना है, और इनको दोनों हाथ में रख करके सबसे पहले ओम नमः शिवाय की 108 नाम की माला करें, एक माला करें। उसके बाद में दोनों ही हाथ में रख करके ओम शोम सोमेश्वराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें और इसको घर ले आए, घर में अपने पूजा स्थान में रख दें। अब इस सोमवार से उस सोमवार तक उसको पूजा स्थान में रखे रहने दें। हल्दी कुमकुम अष्टगंध इसमें डेली डालें, पूजा करें, धूपबत्ती करें। और उसके बाद में जब ये आपका दूसरा सोमवार आता है तो 2 का सिक्का या फिर 1-1 के 2 सिक्के उस सफेद कपड़े में आपको डाल देना है, और इसकी आपको पोटली बना देनी है। अब इसको चाहे तो पूजा स्थान में रख दें, या आपका जो मेन चौखट होगा दरवाजा उसका बीच बीच बांध दें, या फिर आपका जो जहां पैसे वगैरह रखते हैं वहां रख दें, या इसका अलावा जो आपका व्यापार बिजनेस वगैरह जो गल्ला होता है ऑफिस वगैरह वहां रख दें, और डेली इसकी पूजा करते रहे। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि कोई भी चीज रख करके छोड़ देने से उसकी एनर्जी डाउन होने लगती है, और नित्य प्रति यदि आप इसको इसी मंत्र से पूजा करते रहते हैं तो इसमें एनर्जी जनरेट होती रहती है। जितना ज्यादा इसको एनर्जी देंगे उतना ज्यादा ये आपको वर्क करेगा, उतना ज्यादा आपकी जिंदगी में धन पैसा आएगा, मतलब आर्थिक संकट जो भी चल रहे हैं वो आपके दूर होना शुरू हो जाएंगे। तो कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। मेरे हिसाब से जानकारी दोस्तों काफी अच्छी थी, आपके हिसाब से भी यदि जानकारी अच्छी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री काली ये जरूर लिखें, इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। साथ में मैं यहां से आप लोगों को ब्लेसिंग दे सकता हूं, और जितना हो सके जानकारी को शेयर करिए। मेरे पास में जानकारी मैं आप लोगों तक शेयर कर रहा हूं, आप लोग जितने लोगों को जानकारी शेयर करेंगे, जितने लोगों को लाभ मिलेगा आप लोगों को ब्लेसिंग्स देंगे। तो फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, सभी जगह शेयर करें, ठीक है। और किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं, फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग समस्या का समाधान चाहते हैं या बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग समस्या का समाधान चाहते हैं तो मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और राहु की जो विशेष पूजा शावर मंत्रों के द्वारा की जाती है, शावर मंत्र बहुत ही दुर्लभ होते हैं, नाथपंथियों के द्वारा प्राप्त होते हैं। जो नाथपंथियों के लोग उसे टच में रहते हैं उन्हीं को ये मंत्र की प्राप्ति होती है, और ये मंत्र दोस्तों तुरंत में एक्टिव हो जाते हैं क्योंकि इनको उत्कीलन नहीं करना पड़ता है। वैदिक मंत्रों को उत्कीलन करने के बाद में रिजल्ट देते हैं, लेकिन शावर मंत्र पहले से ही एक्टिव रहते हैं। बस इनका जाप करने से, इनका संकल्प करा लेने से तुरंत में रिजल्ट दिखाना शुरू कर देते हैं। तो ये पूजा यदि बुकिंग कराना चाहते हैं तो व्हाट्सएप में जाकर के अपनी इस पूजा को बुकिंग करा सकते हैं। 18 दिन की ये विशेष पूजा होती है, आपके नाम फोटो द्वारा संकल्प किया जाता है, तो बुकिंग कराना है तो आप बुकिंग करा सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतने दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली।
आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है।